मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11 मनी। यस्टरडे वी हैव कंप्लीट चैप्टर 10 टाइम। होप यू हैव डन योर होमवर्क। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर 11 मनी। मनी का डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है? फॉर एग्जांपल, आप कहीं शॉप पर जा रहे हैं और शॉपकीपर से आपने कुछ सामान लिया। सामान के बदले आपने शॉपकीपर को क्या दिए? मनी। मनी के बदले में ही आपको क्या मिला है? सामान। ये तो हो गया हमारा डेली लाइफ में मनी का यूज। नेक्स्ट हमें पता है मनी के अंदर कुछ नोट्स आते हैं और कुछ कॉइन्स आते हैं। नोट्स कौन से होते हैं? 2000 रुपीज, 500 रुपीज, 200 रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज, 20 रुपीज, 10 रुपीज एंड 5 रुपीज। कॉइन्स के अंदर क्या आता है? 10 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज। ओके, ये हम प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें पता है नोट्स कौन से होते हैं एंड कॉइन्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिकैप एक्सरसाइज के अंदर हमें करना क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे। अब रुपीज हमें गिवन है और पैसे के अंदर कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट के अंदर हमें पैसे गिवन है और रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना है। थर्ड के अंदर हमें साइन का यूज करना है। अब रुपीज को पैसे के अंदर कन्वर्ट और पैसे को रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना, ये भी हम प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं। ओके, टेक ए शॉर्ट रिवीजन फॉर क्लास प्रीवियस। हमें पता है रुपीज और पैसे को कैसे राइट करते हैं। दोनों को कौन सेपरेट करता है? रुपीज और पैसे को एक डॉट। डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में कौन होता है? रुपीज। और डॉट के राइट हैंड साइड में कौन होता है? पैसे। ओके, ये हमें पता है। नेक्स्ट क्या? कन्वर्टिंग रुपीज इनटू पैसे। रुपीज को पैसे के अंदर कन्वर्ट करना है। 1 रुपीज किसके इक्वल होता है? 100 पैसे के। 2 रुपीज किसके इक्वल हो जाएगा? 200 पैसे के। 3 रुपीज किसके इक्वल हो जाएगा? 300 पैसे। इसी तरह 7 रुपीज किसके इक्वल हो जाएगा? 700 पैसे एंड सो ऑन। अब चलते हैं हम शॉर्टकट मेथड पर। हमें एग्जाम्पल लिया रुपीज 25.50। अब 25 यहाँ पर क्या है? रुपीज। और 50 क्या है यहाँ पर? पैसे। अब हमें टोटल को पैसे के अंदर कन्वर्ट करना है। पैसे के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? रिमूव रुपीज। रुपीज जो हमें साइन दिया हुआ, इसको हम रिमूव करेंगे एंड द डॉट, जो डॉट है, डॉट और रुपीज दोनों को हम रिमूव करेंगे एंड राइट पैसे एट द एंड, और एंड में हम पैसे को राइट कर देंगे। जो रुपीज और ये डॉट है, डॉट और रुपीज को हम दोनों को रिमूव कर देंगे। क्या रह गया हमारे पास? 2550 को हमने राइट किया और एंड में क्या राइट कर दिया? पैसे। अब रुपीज किसके के अंदर कन्वर्ट हो गए? पैसे के अंदर कन्वर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने रुपीज 39.40। 39.40 को अब हमें पैसे के अंदर कन्वर्ट करना। रुपीज और डॉट को हमने रिमूव किया। रिमूव करने पर क्या आ गया हमारे पास? 3940। और एंड में हमने क्या राइट किया? पैसे। ओके, ये तो है हमारा रुपीज को पैसे के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कन्वर्टिंग पैसे इंटू रुपीज। पैसे को रुपीज के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? 450 पैसे। अब पैसे हमें गिवन है और रुपीज के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। काउंट 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। राइट साइड से हम 2 डिजिट को काउंट करेंगे और 2 डिजिट के आफ्टर हम डॉट को पुट कर देंगे। ओके, पैसे को रिमूव कर देंगे और जो भी आएगा उसके बिगिनिंग में हम रुपीज को राइट कर देंगे। ओके, फर्स्ट 2 डिजिट को हम काउंट करते हैं राइट साइड से। 1, 2। 2 डिजिट के आफ्टर बाद क्या पुट कर देंगे हम? डॉट। 5 से पहले क्या आ जाएगा? डॉट। अब पैसे को हमने रिमूव किया और बिगिनिंग में क्या लगा दिया? रुपीज। 450 पैसे के अंदर कितने रुपीज होंगे? रुपीज 4.50। ओके, अब हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि हम पैसे को ऑलवेज 2 डिजिट के अंदर राइट करेंगे। ओके, पैसे को हम कितने डिजिट के अंदर राइट करेंगे? ऑलवेज 2 डिजिट के अंदर राइट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया 9807 पैसे। अब फर्स्ट 2 डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट को हम काउंट करेंगे राइट साइड से। 1, 2।
टू डिजिट के आफ्टर हम डॉट को पुट कर देंगे। ये हमने डॉट को पुट किया, पैसे को हम रिमूव कर देंगे और रुपीज को हम बिगिनिंग में राइट कर देंगे। ओके, अब हम इन्हीं के बेस पर रिकैप एक्सरसाइज को करते हैं। रिकैप एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुपीज 47.25 पैसे के अंदर कन्वर्ट करना है। रुपीज और डॉट को हम रिमूव कर देंगे और जो अमाउंट होगी उसको हम राइट करेंगे 47.25 और एंड में हम लगा देंगे पैसे। ओके, इसी तरह हम दोनों पार्ट को फिल कर लेंगे। सेकंड के अंदर पैसे गिवन हमें रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना है। हम टू डिजिट को काउंट करेंगे राइट साइड से, 1 2, टू डिजिट के आफ्टर हम पुट कर देंगे डॉट को, 2 0 और 0 4। अब पैसे को हम रिमूव कर देंगे और बिगिनिंग में रुपीज को राइट कर देंगे। ओके, इसी तरह हम दोनों पार्ट को फिल करेंगे। थर्ड के अंदर क्या है, पुट साइन इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर हमें साइन पुट करना। एक साइड हमें गिवन है रुपीज और एक साइड गिवन है हमें पैसे। या तो हम रुपीज को पैसे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे या फिर पैसे को हम रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। मीन्स रुपए और पैसे दोनों की यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, या तो रुपीज के अंदर होनी चाहिए या फिर पैसे के अंदर होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकेंगे। ओके, अब फर्स्ट क्या है, 90 रुपीज एंड 9,230 पैसे। अब या तो हम 90 रुपीज को पैसे के अंदर कन्वर्ट कर ले या फिर पैसे को रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर ले। हम करते हैं 90 रुपीज को पैसे के अंदर कन्वर्ट। 90 रुपीज में कितने पैसे होंगे, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने पैसे हो जाएंगे, 9,000 पैसे। ओके, और गिवन क्या हमें यहाँ पर बॉक्स है, बॉक्स के आगे क्या है, 900,230 पैसे। अब दोनों में से बिगर कौन है, ये। अब साइन यहाँ आ जाएगा, एस इस टाइप से आ जाएगा। ओके, इस तरह हम सभी को सोल्व कर लेंगे। जैसे डी पार्ट, डी पार्ट के अंदर यहाँ पर 50 रुपीज प्लस 50 रुपीज दोनों को हम ऐड कर लेंगे, कितने रुपीज हो गए टोटल, 100 रुपीज। अब 100 रुपीज को हम पैसे के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 100 से। कितने आ गए, 10,000 पैसे। और नेक्स्ट हमें यहाँ कितना दिया हुआ, 10,000 पैसे। मीन्स यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब एक्सरसाइज 11.1। इससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द टोटल अमाउंट। हमें नोट्स या फिर कुछ कॉइन्स गिवन है और टोटल अमाउंट को फाइंड करना है, कैसे करेंगे। गिवन क्या हमें, 3 नोट्स ऑफ रुपीज 100, 100 रुपीज के 3 नोट्स हमें गिवन है, 50 रुपीज के हमें 2 नोट्स गिवन है एंड 10 रुपीज के हमें 4 नोट्स गिवन है। अब टोटल अमाउंट को हमें फाइंड करना है। ओके, 100 रुपीज के हमें 3 नोट्स गिवन है, इट मीन्स 100 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रुपीज 100 इंटू 3 टोटल कितने हो गए, रुपीज 300। ओके, अब हमने 3 नोट लिए 100 के, 100 प्लस 100 प्लस 100 टोटल अमाउंट कितनी होगी, 300। यही तो यही है। ओके, अब 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 2 नोट्स। मीन्स 50 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। कितने रुपीज आ जाएंगे टोटल, 100। नेक्स्ट के अंदर 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 4 नोट्स। रुपीज 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितने आ गए टोटल यहाँ से, 40 रुपीज। अब सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी ये हमारी टोटल अमाउंट। ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0, 4 3 प्लस 1 4 रुपीज। टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 440 रुपीज। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 2 नोट्स हैं हमारे पास 20 रुपीज के, 4 नोट्स हैं हमारे पास 10 रुपीज के, 2 नोट्स हैं हमारे 5 रुपीज के। हमें टोटल अमाउंट बताना है, तो 20 रुपीज को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, कितने रुपीज आ गए, 40। नेक्स्ट क्या है, 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं हमारे पास, 4 नोट्स, टोटल कितने आ गए, 40। नेक्स्ट क्या है, 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हमारे पास, 2 कॉइन्स, कितने रुपए आ गए, 10। अब क्या निकलेंगे, सभी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी टोटल अमाउंट। ओके, 0 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9, टोटल कितने अमाउंट आ गए, रुपीज 90। ओके, नेक्स्ट क्या, एक्सरसाइज 11.1, फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है, 3 नोट्स ऑफ रुपीज
2000 मीन्स 2000 रुपीज मल्टीप्लाई 3 600 रुपीज, 200 रुपीज के 6 नोट्स हैं इट मीन्स 200 रुपीज मल्टीप्लाई 6 कितने रुपए हो गए टोटल रुपीज 1200। 11 नोट्स ऑफ रुपीज 20 रुपीज के 11 नोट्स हैं टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी यहाँ से रुपीज 220। अब सभी की हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है तो सभी को क्या कर देंगे ऐड करने के बाद क्या आ गया 7420 रुपीज। नेक्स्ट क्या है बी पार्ट को भी आपने जैसे फर्स्ट पार्ट को क्या इसी तरह करना है, सी और डी को भी इसी तरह करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अब कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के इनको हमें सोल्व करना है। ए पार्ट क्या है अमन्स वॉलेट कंटेन्स टू नोट्स ऑफ 1000 रुपीज 4 नोट्स ऑफ 500 रुपीज एंड 6 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। अमन के वॉलेट के अंदर रुपीज के 1000 रुपीज के 2 नोट्स हैं 500 रुपीज के 4 नोट्स हैं एंड 100 रुपीज के 6 नोट्स हैं। हाउ मच टोटल मनी डिड अमन हैव इन हिज वॉलेट। हमें बताना है कि अमन के पास जो वॉलेट है उसके अंदर टोटल मनी कितने हैं। इट मीन्स हम सभी की अमाउंट को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 2 नोट्स ऑफ रुपीज 1000 2 नोट्स 1000 रुपीज के हैं 1000 इंटू 2 2000 रुपीज 4 नोट्स ऑफ रुपीज 500 रुपीज के 4 नोट्स है 500 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज 2000 6 नोट्स हैं 100 रुपीज के 100 इंटू 6 कितने आ गए 600। अब सभी को ऐड कर देंगे 0 नेक्स्ट 0 नेक्स्ट 6 2 प्लस 2 4 टोटल मनी कितने हैं अमन के वॉलेट के अंदर 4600 रुपीज। ओके नेक्स्ट इज बी पार्ट द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू ब्रिंग रुपीज 100 फॉर द पिकनिक। मीना टुक 6 नोट्स ऑफ रुपीज 10 एंड 6 कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 डिड सी कैरी इनफ मनी। टीचर ने ईच प्रत्येक स्टूडेंट से पिकनिक पर जाने के लिए 100 रुपीज लाने को कहा। पिकनिक पर जाने के लिए कितने रुपीज को कहा 100 रुपीज होने चाहिए ईच स्टूडेंट के पास तभी वो बच्चा पिकनिक पर जा सकेगा जिसके पास 100 रुपीज होंगे। मीना के पास कितने पैसे थे 6 नोट्स थे 10 रुपीज के 6 कॉइन्स थे 5 रुपीज के। ओके डिड सी कैरी इनफ मनी। हमें बताना है कि क्या मीना के पास पिकनिक पर जाने के लिए इनफ मनी थे या नहीं। ओके मीना के पास 6 नोट थे 10 रुपीज के इट मीन्स 10 इंटू 6 रुपीज 60 6 कॉइन्स थे 5 रुपीज के इट मीन्स 5 इंटू 6 30 रुपीज। अब टोटल को ऐड करेंगे कितने आ गए 0 6 प्लस 3 9 90 रुपीज। मीना के पास कितने मनी थे 90 रुपीज और टीचर ने इस स्टूडेंट को कितने मनी लाने को कहा था 100 रुपीज। अब मीना के पास तो कितने हैं 90। अब क्या उसके पास पिकनिक पर जाने के लिए इनफ मनी है नो बिकॉज मीना के पास तो 10 रुपीज कम है। ओके नेक्स्ट क्या सी पार्ट मंदिरा हैड 10 नोट्स ऑफ रुपीज 100 एंड मीनू हैड 20 नोट्स ऑफ 50 रुपीज हु हैड मोर मनी। मंदिरा के पास 10 नोट्स हैं 100 रुपीज के एंड मीनू के पास 20 नोट्स हैं 50 रुपीज के। हमें बताना है कि दोनों में से किसके पास मोर मनी है। ओके फर्स्ट हम मंदिरा का चेक करते हैं। मंदिरा के पास क्या है 10 नोट्स ऑफ 100 रुपीज 100 रुपीज इंटू 10 कितनी मनी है मंदिरा के पास 1000 रुपीज। अब मीनू के पास कितनी मनी है 1000 रुपीज 20 नोट्स 50 रुपीज के 50 इंटू 20 1000। अब मंदिरा के पास भी 1000 रुपीज है और मीनू के पास भी 1000 मनी इट मीन्स दोनों के पास कैसी मनी है इक्वल मनी। मंदिरा एंड मीनू हैड इक्वल मनी। ओके नेक्स्ट क्या इन ए बॉक्स देर आर 100 कॉइन्स। बॉक्स के अंदर 100 कॉइन्स हैं। ओके हाफ ऑफ देम आर ऑफ 5 रुपीज 100 कॉइन्स में से हाफ मीन्स 50 कॉइन्स कितने रुपीज के हैं 5 रुपीज के हैं एंड द अदर हाफ आर ऑफ 2 रुपीज और अदर हाफ मीन्स 50 कॉइन्स और रह गए वो कितने रुपीज के हैं 2 रुपीज के। हाउ मच मनी इन देयर इन ए बॉक्स। तो हमें बताना है कि बॉक्स के अंदर टोटल मनी कितनी है हाफ 50 कॉइन्स हैं 5 रुपीज के एंड 50 कॉइन्स हैं 2 रुपीज के।
टोटल कॉइन्स कितने हैं बॉक्स के अंदर? 100 कॉइन्स। 100 में से हाफ मीन्स 50 कॉइन्स है 5 रुपीज के। 5 इंटू 50 250। 50 कॉइन्स हैं 2 रुपीज के। रुपीज 2 इंटू 50 रुपीज 100। दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड करने पर कितना आ गया 350। टोटल मनी इन अ बॉक्स इज इक्वल टू 350 रुपीज। बॉक्स के अंदर टोटल मनी कितनी है 350 रुपीज। सो एक्सरसाइज 11.1 आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ तक आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर सभी क्वेश्चंस को सोल्व करके राइट करना है। ओके okay?